हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेके आई हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, चाय वाय पी लिया हम लोगों ने, डेली रूटीन सबका चल रहा है। बट अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। अभी तो मई तक लगा था कि अरे गर्मी पड़ी नहीं, गर्मी पड़ी नहीं, और अभी इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है ना, ह्यूमिडिटी हो रही है बिल्कुल। ऐसे यहाँ पे 41-42 टेम्परेचर चल रहा है, और इस समय किचन में काम करना तो इतना टफ हो गया है ना कि बाबा रे। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जैसा कि मैंने बताया। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं नहा के आ चुकी हूँ और माँ ऑलरेडी नहा चुकी हैं, और यहाँ पे माँ तैयारी कर रही हैं बड़ियाँ बनाने की। जो बड़ी आती है ना सब्जी वगैरह में डालते हैं उसकी, उड़द की दाल, चने की दाल वाली। तो रात को ही हमने उड़द और चने की दाल भिगो दी थी, माँ यहाँ पे उसको पीस रही हैं। ये बड़ी बिना नहाए नहीं बना सकते, बहुत साफ़ सफाई से बनाते हैं। इसके बाद फिर चने की दाल पीसेंगे माँ। हाँ, इसके बाद चने की दाल, गरम मसाला पीस गया। हाँ पाजी दे रही हूँ। तो बहुत साफ सफाई से बनती है ना माँ ये बड़ी। हाँ बड़ी बनती है इसको हम लोगों के साइड कोड़ौरी बोलते हैं। कोड़ौरी क्यों बोलते होंगे माँ, क्या रीजन रहा होगा इसका? कोड़ौरी कुछ उस समय में इसमें से किसी सामान वामान का नाम मिला के रखा होगा ना शायद। अच्छा इसको, अच्छा उसी फैमिली से आता है इस वजह से। हाँ सही बोल रहे हैं, उड़द और ये सब को वो क्या बोलते हैं, कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, अच्छे से दे दो पानी, कुछ नाम तो देना पड़ेगा। हाँ हाँ दे दूँ क्या बतुआ पापा जी आपको, पहले खाना दे दो। अच्छा पहले खाना दे दो उड़द की दाल और चने की दाल को माने पीस लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हींग, इसमें सारे मसाले डलते हैं। हींग डलती है, लाल मिर्च, और साथ ही साथ इसमें वो डलता है जिसका हम पेठा बनाते हैं ना, जो एक वेजिटेबल आती है जिसको पेठा के नाम से जानते हैं, वो डालते हैं इसके अंदर। उससे ये बहुत ही अच्छी बनती है, चिकनाहट आती है उससे, और वो बहुत हेल्दी भी होता है। ये बड़ियाँ जो होती है ना स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। तो माँ पापा जी को ये चीज़ मालूम है, तो पापा जी पता नहीं कहाँ से गए पेठा ढूंढ के लाए, तो ये हुआ कि आज बना लेते हैं। ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होता इसको बनाना। बट इसमें क्या होता है कि हर किसी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, और हम लोग इस काम में माहिर हैं। कुछ काम हो ना हो हम इन्वॉल्व जरूर रहते हैं। यहाँ पे पापा जी, अबिस्टी सब इन्वॉल्व हैं, हम सारे इन्वॉल्व हैं। इसकी मैं बात कर रही थी, ये पेठा होता है, इसको हमारे साइड भतुआ बोलते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, एक्सट्रीमली हेल्दी होता है। तो यहाँ पे ये बड़ा था, आधे का हमने जूस बना के पी लिया, और आधा अब हम ये बड़ी में डालेंगे। क्या करोगे उसमें? देखो मिर्ची डाल रखा है अम्मा ने, कितना सारा। बच के रहना, एकदम बच के रहना दूर। मिर्ची इतनी तेज लगती है ना, फिर हम लोग गाना गाएंगे, तुझे मिर्ची लगी तो, है ना पापा जी? अब इसको जब लगेगी तो, जब आप लोगों को लगेगी तो मैं गाऊंगा, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। किसके लिए गाओगी लेकिन, अम्मा के लिए कि दादू जी के लिए कि मेरे लिए? अम्मा और दादू जी के लिए और आपके लिए। अगर मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? हाँ तो देखा मामा तुझे मिर्ची, ये ठीक है माँ, ये देखिए यही ना। हाँ हाँ बस, हाँ ओके ठीक है। बात तो करा गेट का है, जितना देरी लगी हो उतना थोड़ा खराब ना होई, कहीं मैं अंदर कर दे भी सुखा दे थोड़ा, नहीं तो हो जी लफड़ा बचा। क्यों सिंदूर और ये सब क्यों करते होंगे पापा जी, कुछ रीजन होगा ना इसका? मतलब कि इतना अच्छा रहेगा, दवाइयाँ नहीं बोलते भाव से, दवाई अच्छी होती है। अरे सिंदूर नहीं लगाते बच्चे? तो जितना प्रेम से बेटा इसको बनाओ भाव से ना, तब बेटा ये उपयोगी उपयोगी बनेगा, इसलिए है।
अच्छा कि मतलब कि हमेशा चीज ना भाव ही सर मतलब भाव बड़ा मुझे लगता है। और ऐसे बोलते ना जो कि मतलब कि महिलाएं जो है खाना बनाती हैं वो सुख होटल में थोड़ी कमी मिलेगा नहीं मिलेगा सारा सब ना कि भोजन भाव से हां भाव जो हमेशा कहना कि भोजन भाव से बनाना। तो अभी हम लोग बड़ी की सारी तैयारियां कर चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं छत पे। एक्चुअली सुबह का ही प्लान था बट थोड़ा सा लेट हो गया हम लोगों को, अभी 11 बज रहे हैं शायद। तो अब हम जा रहे हैं छत पे बड़ी को बनाने के लिए। पता नहीं मतलब इतना इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है ना, मैं जल्दी चलती हूँ कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं क्या करने के लिए? इतनी धूप में बेटा क्या बैठोगे आप? हाँ हाँ पूरा। तो यहाँ पे बड़ियाँ डालने जा रहे हैं हम लोग, तो उससे पहले थोड़ी पूजा करनी होती है, शगन करना होता है। कितना अच्छा बनाया गया ना हर चीज़ को, इतना प्यारा बनाया गया ना। माँ वही शुरू कर रही हैं। निकालो मत पहन के रखो, काटू न हो बहिनी गैया पियर पी। जय भगवान। अच्छा पियर पी तांबर। तो 5 बड़ियों को डालने के बाद उसको सिंदूर से टीका लगाया गया, उसमें मिर्च डाली गई। कुछ तो होता है शगन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा पापा जी ने मुझे बताया और मुझे जितना समझ आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत मेहनत का होता था। आज के टाइम में तो ग्राइंडर है, पीस लिया, पहले सील बट्टे पे पीसना होता था, इतना सारा काम होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। तो ये सब चीज़ें ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर दी गई होंगी। जैसे माँ बोल रही थी कि बड़ियों को डालते समय जो शुरुआत करते हैं ना, तो सोहर गाते हैं। सोहर मतलब जब बेबी होता है घर में तो जो गाना गाते हैं ना उसको बोलते हैं, तो वो भी गाते हैं। तो पहले के टाइम में बहुत सारे लोग रहते होंगे, देवरानी, जेठानी, सास, ननद, तो सब मिलके गाते होंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का भी एक मौका था कि सास, ननद और देवरानी, जेठानी, ऐसे तो इतना काम रहता है, कोई किसी को इतना टाइम नहीं होता होगा पहले ना कि बैठ के टाइम स्पेंड कर पाए, तो ये भी एक तरीका होगा। वो मिक्स हो जाएगा खूब अच्छे से। आपने उस दिन बोल रहे थे कि चूल्हा के चूल्हा का ही छिलका चिकुला 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 खजरा है छिलका के चिकुला होता और यहाँ पे सारी बड़ियाँ हम लोगों ने डाल दी हैं। इसको 2-3 दिन कड़ी धूप में सुखाना होता है जिससे कि ये कच्ची बिल्कुल ना रह जाए। उसके बाद आराम से 1.5 साल आराम से चलती है ये। और यहाँ पे एक रिचुअल और है कि जो लास्ट का बर्तन में लगा होता है ना इसका पेस्ट, उसको लकड़ी के किसी इस पे सूप पे डालते हैं और बाद में शाम को या फिर सुबह इसको इसकी सब्जी बना के खाते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़। और मैं आपके साथ एक अच्छी न्यूज़ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं पूरे इस जून के मंथ में कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस डाल पाऊँ, रेगुलर आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स ले आके आ पाऊँ। तो अभी तक तो ये कंटिन्यू चल रहा है, अब देखते हैं कि आगे मैं कितना कर पाती हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल कर पाऊँगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।